सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बलूचिस्तान में हूँ, ये तो आप जानते हैं। बलूचिस्तान में मैं तुर्बत आई हूँ अपने कज़न के घर। छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान में जो ये जो हमारा बलूची ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसके प्राइजेस और इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आजकल नए नए डिज़ाइन आए हुए हैं, ये देखें, इसका नाम है बानो करीमा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये तकरीबन इसकी क्या प्राइस होगी आप मुझे बता सकते हैं? 50,000 तकरीबन, 50,000 60,000 डिज़ाइंस के अलग अलग प्राइजेस हैं, और इसका जो है तकरीबन 50-60,000 में बन जाता है। एक ख़ासियत है इसमें, इस बलूची ड्रेस में के जो कढ़ाई में ये जवानी इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है, भी ये डिज़ाइन पुराने नहीं होते। वरना जैसे कि हम शलवार कमीज पहनते हैं, वो तकरीबन ईद का अगर नया कलेक्शन हो तो वो कुछ महीनों बाद जो है पुराना हो जाता है, कुछ नया डिज़ाइन आ जाते हैं। लेकिन इसका ही खासियत ये है कि ये पुराना नहीं होता डिज़ाइन, आप हमेशा, मतलब जिन्होंने नहीं सिलवाया अब तक वो भी सिलवा सकते हैं ये डिज़ाइन, लेकिन पुराना नहीं होता। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनाया है, साफ़ है, हाथ की कढ़ाई है। वैसे तो आजकल मशीन की कढ़ाई भी बनाते हैं, वो इजीली 10,000 में बन जाता है, 5,000 में बन जाता है, अलग अलग डिफरेंट प्राइजेज हैं। लेकिन जो ओरिजिनल बलूचिस्तान में बनाते हैं ना, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये देखिए, ये अभी तक रेडी नहीं है, ये दूसरा ड्रेस है, ये किसी और का है शायद। ये जो है मेरी कज़न बना रही हैं, वो अपना बना रही हैं माशाल्लाह से, और आप लोग भी माशाल्लाह कहें ताकि नज़र ना लगे। इंशाल्लाह मैं भी बनवाऊंगी, लेकिन नया डिज़ाइन, दूसरा डिज़ाइन बनवाऊंगी, क्योंकि 30,000 में भी बनता है सूट, 25,000 में भी बन जाता है, लेकिन अलग अलग जो है ये कढ़ाई होती है उसकी, छोटे होते हैं कुछ, बड़े होते हैं डिज़ाइंस। ये जो है पूरा हाथ का है, इसमें बिल्कुल भी मशीन की कढ़ाई शामिल नहीं है। ये देखिए, ये जेब का ये बैक साइड है, ऊपर का जो हिस्सा कहते हैं ना उसे, और ये जेब है इसकी, तैयार है माशाल्लाह से। ईद का ड्रेस है लेकिन अब तक रेडी नहीं है, इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा ईद तक। इसके अलावा भी आपको कुछ दिखाती हूँ डिज़ाइंस। देखिए ये भी एक डिज़ाइन है, इसकी प्राइस होगी तकरीबन 30,000 से 40,000। जितने भी डिज़ाइन आप पसंद करें अलग अलग, उनकी अलग अलग ही चार्जेस प्राइस अलग ही होंगी। ये भी शायद नया डिज़ाइन है ना, ये नया डिज़ाइन है, लेकिन जो पहले मैंने आपको दिखाया था ना, वो मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह से। एक और डिज़ाइन है, ये भी अभी तक रेडी नहीं है, इसमें भी कुछ काम बाकी हैं। इसका जो नाम है स्टार ग्रुप, ये भी नया है, दोच कहते हैं इसे बलूची। तो ये जो है इसकी प्राइस तकरीबन होगी 50-60 हज़ार दुपट्टे के साथ, कम में भी बन जाता है, कहीं तो सिलाई कर लेते हैं, जैसे कि ग्वादर हो या दूसरे मशक़े अवरान, हर जगह की, बलूचिस्तान के हर जगह सिटियों के जो शहरों के जो है ना प्राइजेस अलग अलग होते हैं। तुर्बत के अलग प्राइस हैं, चूँकि यहाँ पे बनाया जाता है, 50,000 में ये सूट बनाया जाता है। ये आप देखें कितना प्यारा बनाया है डिज़ाइन। इसमें एक और भी है सूट, दूसरा है लेकिन डिज़ाइन इसका सेम है, ये देखें। लेकिन आजकल जो है मशीन में भी ये जो कढ़ाई है ये बनाई जाती है, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा हाथ का है, क्योंकि हाथ की कढ़ाई में मेहनत ज़्यादा है, इसलिए ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डिज़ाइन है, ये देखें, इसकी क्या प्राइस होगी? 40-50 हज़ार। इसकी भी 40-50 हज़ार तकरीबन कीमत है। इसका नाम है रिंदानी ताज, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, ये देखें हाथ की कढ़ाई है ये भी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई होगी। उर्दू में बात करने का मकसद यही है कि जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं उर्दू स्पीकिंग, वो समझ सकें कि हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ड्रेस इसके क्या चार्जेस हैं और कितनी मेहनत होती है इसमें, और माशाल्लाह से कितनी साफ़ सफाई से बनाई जाती है। बाकी जो मेरे बलोच भाई बहनों सब माएँ, मैं उम्मीद करना कि शुमारा भी मेरी वीडियो बास पसंद कहते हैं, और लाइक की बेकने तो मेरी वीडियो आदि मशीन की बेकने। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।